नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे हम ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है और उसकी व्याख्या और प्रकार कितने हैं, ये इस आज के टॉपिक में देखेंगे। व्याख्या: ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक डिवाइस है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई या स्विच करने के काम आता है। यह अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। इसे बनाने के लिए ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर के तीन पैर होते हैं जो इन्हें सर्किट में एक दूसरे से जोड़ने में काम आते हैं। ट्रांजिस्टर के तीन पैर है इमिटर, बेस, कलेक्टर, जो कि इससे एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। ट्रांजिस्टर बहुत सारे उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एम्पलीफायर, स्विच सर्किट, ऑसिलेटर्स और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य दो प्रकार ट्रांजिस्टर के हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो आज देखेंगे एनपीएन और पीएनपी क्या है। ट्रांजिस्टर के प्रकार कई सारे हैं और अलग अलग तरह से काम करते हैं। मैंने इस नीचे डायग्राम दिखाया है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार है और उसके कितने उप प्रकार है, और ये डायग्राम देख के आप ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार है ये समझ सकते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है? जब पी प्रकार के पदार्थ की परत को दो एन प्रकार के पदार्थ की परतों के बीच में लगाया जाता है तब हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर मिलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल के जरिए कलेक्टर से इमिटर की ओर बहते हैं। नीचे मैंने सर्किट डायग्राम दिखाया है, इसमें ट्रांजिस्टर कैसा वर्क करता है ये भी दिखाया है, और उसके बाजू में ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखाया है जो कि आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसा होता है ये दिखाया जा रहा है। इसमें बाहर की तरफ एरो रहता है, इसको एनपीएन कहते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है? जब एन प्रकार के पदार्थ की परत को पी प्रकार के पदार्थ की परतों के बीच में लगाया जाता है तब हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर मिलता है। इसमें भी मैंने नीचे सर्किट डायग्राम दिखाया पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसा वर्क करता है और बाजू में उसका सिंबल दिखाया है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो अंदर की तरफ दिखाया जाता है, जिसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ट्रांजिस्टर की व्याख्या और प्रकार का वीडियो कैसा लगा, एक लाइक और शेयर करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।